आज बना रहा हूँ पनीर का जलेबी। इसमें इलायची डाल रहा हूँ, थोड़ा ही है उसमें भी आगे डाला उसमें, और 3 चम्मच मैदा और ये छिलका रस में डालने को। एक चम्मच शक्कर डाल रहा हूँ। ये है पनीर 1 लीटर का, 3 चम्मच मैं मैदा डाला, और लास्ट में ये इनू डालने का, अभी इसको मिक्स करने का अच्छे से। अभी मैं ये पनीर डाल रहा हूँ, इसको अच्छा से मिक्स करने का, लास्ट में इनू डालने का। मैं पानी नहीं डालना चाहिए, इसको अच्छा से मिक्स करने का है। मिक्स होने के बाद अभी मैं इसमें इनू डालने का है 1 चम्मच भर के, ये 1 चम्मच इनू है, और ये अच्छा से मिक्स हो गया। अभी इसमें डाल दीजिए, इसमें भी फिर मिक्स करके, ज़्यादा नहीं 5 मिनट इसको मिक्स करके, फिर इसमें तेल में फ्राई करने का। अभी मैं इसमें 1 चम्मच इनू डाला, इसको लगा के 5-10 मिनट इसको रखने का, ये पूरा फूक जाएगा, फिर इसमें बनाने का है। तब तक मैं तेल गरम चढ़ाता हूँ। आधा कटोरी शक्कर लिया, इसका भी पानी में डालना है। 2 इलायची का छिलका ये रस में डालने का पानी में। ये है शक्कर, ये पूरा डालना। ऐसा ये लेने का है, लेकर इसको रोल करने का। ऐसा सब बना लिया जलेबी, अभी इसको फ्राई करने का है, अभी मीडियम गैस में इसको फ्राई करने का। अभी मैं गैस कम कर दिया, अभी ये थोड़ा थोड़ा लाल हो गया, ब्राउन हो रहा। एक साइड खुल गया तो शक्कर पानी में डालने का इसको। ये पनीर की जलेबी बन गया, अभी रस हो गया, इसमें डाल रहा हूँ गरम गरम, इसमें रस घुस जाएगा, फिर बंद कर देगा। इसमें 5 मिनट इसमें रखने का, पूरा रस घुस जाएगा। Thank you.
पनीर का जलेबी बनकर रेडी है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।